दावी का कौल है कि मैंने खलीफा को एक दिन हजरत सैयदना मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में देखा कि अर्ज कर रहा है कि हुजूर मैं आपसे कोई करामत देखना चाहता हूँ ताकि मेरा दिल इत्मीनान पाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मैं गैब से सेब चाहता हूं और पूरे इराक में उस वक्त सेब नहीं होते थे। तो आप रहमतुल्लाह तआला ने हवा में हाथ बढ़ाया तो दो सेब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में थे। यार ना कर, हाथ में थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनमें से एक उसको दिया यानी खलीफा को दिया। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथ वाले सेब को काटा तो निहायत सफेद था, उससे मुश्क की सी खुशबू आती थी। और खलीफा ने अपने हाथ वाले सेब को काटा तो उसमें कीड़े थे। तो खलीफा कहने लगा ये क्या बात है? मैंने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में निहायत उम्दा सेब देखा। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अबुल मुज़फ़्फ़र तुम्हारे सेब को जुल्म के हाथ लगे तो उसमें कीड़े पड़ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अंदाज़े तबलीग है उस वक्त कैसे अल्लाह की आता है। रूहानियत को इसको थोड़ी बोलते हैं कि हाथ बढ़ा इस हाथ में सेब आ गया, इस हाथ में बढ़ा तो मौसम भी आ गई। भाई बड़ी रूहानियत है तो ये तो मतलब शोबतेबाजियां भी होती हैं। मुरीद तो चाहता है बापा के कुछ इस तरह की तरकीब बन जाए कि मुझे ये भी नजर आए, मुझे वो भी नजर आए, मैं यहाँ परवाजे करूँ वहां परवाजे करूँ। कहानी है, टोटली कहानी है। ना उम्मत नूं पाड़ खुदा दा वास्ता, ना करो इस तरह, ना करो इस तरह।